तो फ्रेंड्स आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं जावा पिराग 350 2022 मॉडल का। तो फ्रेंड्स आपको हम उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी लोगों के दिमाग के अंदर है कि ये सिंगल सीटेड है, तो हम आपका वो डाउट भी क्लियर करेंगे। तो फैमिली जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका मैं डाउट क्लियर करूंगा ये सिंगल सीटेड है या सेकंड टू सीटेड। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये हमें कंपनी से मिला है ये वैसा ही है, इसका मतलब ये सिंगल सीटेड है, बट आप इसको आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन में एक सीट और एक्स्ट्रा ऐड करा सकते हैं। अभी हमने ऐड नहीं कराई है, ना ही हमारा कोई प्लान है, बिकॉज ये हमने सेकेंडरी बाइक ली है, हमारे पास प्राइमरी एक बाइक है और ये हम सिंगल सीटेड ही चलाना चाहते हैं, इसका हम फील लेना चाहते हैं सिंगल सीटेड में। तो फ्रेंड्स आपको हम इसकी आवाज़ सुनाते हैं, आइए इसको ऑन करते हैं। तो फैमिली जैसे कि आप देख सक रहे हैं इसकी आवाज़ कितनी ही अच्छी है, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा ये बाइक टू साइलेंसर्स के साथ आती है। आफ्टर मार्केट इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं, जो बंदे लाउड बाइक चाहते हैं वो इसके बाद इसमें आफ्टर मार्केट साइलेंसर्स फिट करा सकते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही लाउड हो जाएगी, जो कि आजकल के लड़कों को बहुत पसंद है। तो फैमिली ये जो लेग गार्ड है ये हमने आफ्टर मार्केट एसेसरी में लिया है, ये इसके साथ कंपनी फिटेड नहीं आता, हमें इसके लिए पे करना। तो फैमिली जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन, आप देख रहे हैं इसके डबल चैनल एबी है जो कि आगे और पीछे है, उसके बाद आपको बताते हैं इसमें फ्रंट टेलीस्कोपिक फोक्स है, उसके बाद ये है इंटरकूलर जिसके अंदर कूलेंट डलता है, ये इंजन को ठंडा रखता है और ये खाली हैवी बाइक्स पे आता है। उसके बाद आपको दिखाते हैं ऑन कहाँ से होती है, और ये है गाइज इसकी की ऑन और ऑफ की, उसके बाद लॉक का पोर्शन अलग है, आपको हम लॉक का पोर्शन दिखाते हैं। फैमिली यहाँ से बाइक लॉक और अनलॉक होती है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं रेयर साइड, रेयर में आपको मोनो शॉकर मिलेंगे जो कि सीट के अंडर हिडन है, उसके बाद यहाँ पे भी आपको चैनल दिखने को मिलता है जो कि ड्यूल चैनल था, तो एक आगे है और एक पीछे। अब आपको हम दिखाते हैं इसकी स्टोरेज जो कि ना के बराबर है, तो फ्रेंड्स इसको हम ओपन करके दिखाते हैं आपको, आप देखिए यहाँ पर मुश्किल ही पेपर स्विट्स हैं, तो इसकी स्टोरेज बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है इस बाइक के लिए। तो फैमिली जो ये कंपनी है जावा, ये 1929 में इस्टेब्लिश हुई थी, तो तब से ये अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करी जा रही है, बट जो ये पर्टिकुलर बाइक है जावा पिराग, तो इसमें आपको इतने हाई एंड टेक्नोलॉजी फीचर्स नहीं मिलते जो कि आपको एज कंपैरिजन इससे सस्ती बाइक्स में मिल जाते हैं। 334 cc के साथ सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ ये बाइक आपको मिलती है, और इसकी BHP 30 है, 6-speed गेयरबॉक्स के साथ आती है जावा पिराग, और कंप्लीट क्लेम करती है 145 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। जावा ने पिराग की बैजिंग बहुत ही जगह की है, आप देख सकते हैं इसकी बैजिंग आपको हर जगह मिलेगी, इवन कि जो आपके हैंडल्स होते हैं उसके अंदर जावा की बैजिंग मिल रही है। इफ़ यू लव टूरिंग और यू आर ट्रैवलर, ये बाइक आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि इसकी स्टोरेज बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, इसमें मेयरली एनी स्टोरेज स्पेस है। तो फैमिली जावा यहाँ पे आपको C8 का टायर ऑफर कर रही है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया 145 mm ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है, आपको स्पीड ब्रेकर बहुत ही अटेंशन के साथ क्रॉस करने पड़ेंगे। तो फैमिली इस बाइक को बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप टच दिया गया है जावा के द्वारा, अगर हम कंपेयर करें इसी रेंज में तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया लाइट्स आपको मिलती हैं बाइक में, बट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ओल्ड टाइप हेलोजन लाइट्स, नो DRL, नथिंग, ओनली अ सिंपल हेलोजन येलो लाइट। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ।
बहुत ही छोटी स्क्रीन दिख रही है हमें एनालॉग्स के बीच में इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के अंदर, जो कि ऑड्स को डिस्प्ले करती है। फ्रेंड्स, उसके बीच में आप देख सक रहे हैं जावा की बैजिंग येलो कलर में। और आपको बता देते हैं, यहाँ पे आपको फ्यूल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रहेगी, बिकॉज इसके अंदर फ्यूल का भी एनालॉग है। तो फैमिली, हम अपनी वीडियो एंड करते हैं एक रोलिंग क्लिप के साथ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।